Hello friends, welcome back to our channel Shrenika Sister. So friend, today we are coming with a new video with new idea. And friend, happy Janmashtami to all my friends. So friend, आज का video बहुत ही special है क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो मैंने कान्हा जी का बेड रेडी किया है. फ्रेंड्स, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा एंड बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा. अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स. तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्टली फ्रेंड, हमको कार्डबोर्ड लेना है एंड अपने कान्हा जी के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ चौड़ाई लेनी है. तो मैंने अपने कान्हा जी के अकॉर्डिंग 6.5 इंच की विड्थ ली है एंड मैंने सर्कल कट कर लिया है. अभी फ्रेंड्स, इसी तरीके से सेम वे से मैंने 6 सर्कल रेडी कर लिए हैं एंड नाउ मैं फेविकॉल एंड वाटर को मिक्स करूँगी एंड देन सारे सर्कल जो हमारे हैं इनको एक दूसरे से ज्वाइंट कर दूँगी. सो फ्रेंड, फर्स्टली मैंने इसमें 2-2 कार्डबोर्ड को ज्वाइंट किया है एंड देन इस तरीके से हमारे 3 कार्डबोर्ड रेडी हो जाएंगे 2-2 के पेयर में एंड देन हम फाइनली सारे कार्डबोर्ड को एक साथ ज्वाइन कर देंगे. सो फ्रेंड, फाइनली ये हमारा बेस रेडी हुआ है. इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूंगी फ्रेंड्स. अभी फ्रेंड्स, हमको जो हमारी रील रहती है गिट्टी धागे वाली, उसका जो बीच का पार्ट बचता है उसको मैंने लिया है एंड देन इसका सेंटर पॉइंट मार्क करके इसको कट कर दिया है सेंटर से. सो फ्रेंड, सेम वे से मैंने सारी कट कर लिए हैं एंड नाउ अभी हम इस पर फेविकॉल से जॉइंट करेंगे. तो फ्रेंड्स, सारे जो हमारे पार्ट हैं इनको हम एक दूसरे से जॉइंट करेंगे एंड फ्रेंड्स, फाइनली हम इनको 4-4 के पेयर में रखेंगे. इससे हम कान्हा जी के बेड का बेस स्टैंड रेडी करेंगे फ्रेंड्स. सो इसको थोड़ा स्ट्रांगनेस देने के लिए हम इस पर मास्किंग टेप लगाएंगे तो ये हमारा थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा. नाउ फ्रेंड्स, सारे हमारे पार्ट रेडी हो गए हैं. अभी हमारा जो बेस था उसको मार्जिन के लिए फ्रेंड्स हम स्केल की हेल्प से मार्जिन देंगे और मैंने 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन दिया है. बहुत ही केयरफुली मार्जिन देना है आपको जिससे कि हमारा स्टैंड का बैलेंस रहे. नाउ फ्रेंड, मार्जिन देने के बाद हमको हमारे सारे पार्ट को इक्वली रखना है एंड देन हम उसको मार्क कर लेंगे कि हमारा कौन सा पार्ट कहाँ पे रखा जाएगा. तो पेन की हेल्प से हम इसको मार्क कर लेंगे. सो फ्रेंड्स, फाइनली मार्जिन रखने के बाद अभी हम थर्माकोल कटर की हेल्प से कट करेंगे एंड फ्रेंड, बहुत ही केयरफुली कट करना है आपको एंड 1.5 सेंटीमीटर का आपको गहराई देंगे. तो फ्रेंड्स, हमको बहुत ही केयरफुली इसको कट करना है. नाउ अभी हमने जो स्टैंड पेयर रेडी किए थे उनको इसमें ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर फेविकॉल का यूज़ करेंगे. सो फ्रेंड्स, फाइनली हम सारे स्टैंड पेयर को पेपर एंड फेविकॉल की हेल्प से कवर कर देंगे एंड फ्रेंड, इससे स्टैंड पेयर स्ट्रॉन्ग रहेंगे हमारे एंड हमारा बेड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा. देन फ्रेंड, ये कंप्लीट होने के बाद अभी हमको जो हमारा अपर पार्ट है उसको पूरा हम कवर करेंगे.
सो फ्रेंड, पूरा कवर करने के बाद अभी हमको बेस रेडी करने के लिए फैब्रिक का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड, फर्स्टली हम बेड की गद्दी रेडी करेंगे, तो आप फोम का यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप कैरी क्लॉथ बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड, मैंने एक सर्कल कटिंग करके रखा था एंड देन मैं फोम को इस पर लगा दूंगी। आप चाहें तो क्लॉथ कैरी बैग को भी यूज़ कर सकते हैं। सो फाइनली फ्रेंड, इसको मैं इस पर लगा दूंगी। तो ये हमारा गद्दी के लिए पार्ट रेडी हो गया है। अभी फ्रेंड्स, हमारा जो बैक पार्ट था उसके अकॉर्डिंग हम एक पेपर कट करेंगे एंड देन साटन फैब्रिक लेंगे इसको कवर करने के लिए। तो मैं इस पर ये पार्ट मार्क कर लूँगी। एंड फ्रेंड, फाइनली मार्क करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। नाउ फ्रेंड, हम अभी फैब्रिक को हमारे बेस पर कवर करेंगे। तो बहुत ही केयरफुली आपको इस पर कवर करना है। एंड ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रेंड, अभी हम स्टिचिंग की हेल्प से इसको सारा कवर कर देंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा बेस कुछ ऐसा रेडी हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स, हमने जो गद्दी के लिए फॉर्म रेडी किया था सर्कल, उसको रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पर ब्रॉकेट फैब्रिक का यूज़ किया है, मैचिंग ब्रॉकेट फैब्रिक लिया था एंड इसको भी मैं कवर कर दूंगी। अभी फ्रेंड, ये हमारा रेडी हो गया है एंड फाइनली हम इसको बेस पर जॉइन करेंगे, अटैच कर देंगे। तो मैं नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से ही अटैच करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने पूरा बेड कान्हा जी का थ्रेड की हेल्प से ही रेडी किया है। फ्रेंड्स, फाइनली ये रेडी होने के बाद फ्रेंड, हमको नेट फैब्रिक की स्ट्रिप लेनी है 2.5 इंचेस की। देन हम स्ट्रिप से फ्रिल रेडी करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रिल रेडी करना काफ़ी इजी है फ्रेंड, हमको बस नीडल एंड थ्रेड लेना है एंड हम फ्रिल रेडी कर लेंगे। सो फ्रेंड, मैंने फ्रिल रेडी कर ली है। अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट टक कर देंगे। अभी फ्रेंड, हम अपनी फ्रिल को पूरा एडजस्ट करेंगे बेड के अकॉर्डिंग एंड फाइनली ये हम इसमें नॉट लगा देंगे। तो ये हमारा रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, ये हमारी फ्रिल है, हम इसको स्टिच भी कर सकते हैं या फिर आप ग्लू की हेल्प से जॉइंट भी कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने स्टिच की है एंड इस एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका कट कर दिया था फ्रेंड्स। सो आप देख सकते हैं स्टिचिंग कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अभी फ्रेंड्स, हमको लेस लगानी है। तो फ्रेंड्स, मैंने गोल्डन लेस ली है एंड इसको इस पर स्टिच कर दिया है। एंड फ्रेंड, मैंने इस पर डबल स्टिचिंग डाली है, एक अपर साइड एक लोअर साइड। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने पूरी लेस को इसमें अटैच कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग दिख रही है एंड कहीं पे आपका नेट फैब्रिक एक्स्ट्रा हो तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा बेड रेडी हो गया है। अभी हमको कुशन रेडी करने हैं, तो उसके लिए भी मैंने फॉर्म का ही यूज़ किया है फ्रेंड्स। और ये इसकी विड्थ है 4 इंचेस, तो मैंने डबल फॉर्म लिया है एंड साटन फैब्रिक लेकर इसको रेडी किया है।
सो फ्रेंड्स, हमारा कुशन कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल है। नाउ फ्रेंड, हम एक और कुशन रेडी करेंगे, तो चलिए हम रेडी करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे सारे कुशन रेडी हो गए हैं एंड बेड का हम सेंटर पार्ट ड्रॉ करेंगे एंड देन हम उसके अकॉर्डिंग अपने कुशन अटैच कर देंगे। तो मैंने इसमें भी स्टिचिंग ली है फ्रेंड्स, आप इसको ग्लू से अटैच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा बेड कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अभी हम जो स्टैंड पार्ट है फ्रेंड, इसको मास्किंग टेप से कवर कर देंगे एंड देन हम शाइनिंग टेप का यूज़ करेंगे। तो शाइनिंग टेप को इसके अराउंड कवर करेंगे एंड फाइनली हम इसको सेलो टेप से कवर कर देंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा बेड रेडी हो गया है एंड आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है एंड काफ़ी यूनिक है फ्रेंड्स। आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं जन्माष्टमी पर एंड आपके कान्हा जी बहुत हैप्पी होंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी एंड जन्माष्टमी इंजॉय कीजिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।